हेलो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूँ अमर का यूट्यूब चैनल में। आपके साथ मैं हूँ अमर। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम कुंदन सेटिंग कॉलेट के ऊपर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ये कुंदन सेटिंग कॉलेट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, इसका प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके में आप सबको मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये चीज़ मैं 2 से 3 कॉलेट के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर ही अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ कैसे काम करता है और कैसे ये चीज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर मेरा इस वीडियो को देखने के बाद अब सबको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो अब मुझे लेना होगा यहाँ से जेम्स, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये जेम्स मैं लेता हूँ, यहाँ से एक ओवल लूँगा 6 mm का, ठीक है। लेने के बाद इसको यहाँ से कर लूँगा जेम प्रोफाइल, ठीक है। करने के बाद स्टोन अब मुझे नहीं चाहिए, स्टोन को मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब ये जो कार्व आपको मिला ना दोस्तों, इसको ऐसे में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे समझ में इजी तरीके में आए कि ये मेरा ओरिजिनल कार्व कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो कार्व आपको मिला दोस्तों, ये मेरा है ओरिजिनल। मेरा जो स्टोन बैठेगा ना, यानी कि जिस जिस माप के ऊपर मेरा ये कुंदन सेटिंग का कॉलेट बनने जा रहा है, ये होगा मेरा ओरिजिनल कार्व, ठीक है। ये मेरा स्टोन का कार्व है। और अब देखिए, तो अब मुझे इस कार्व को ऐसे ऑफसेट करना होगा 0.5 तक बाहर में और 0.3 तक अंदर में, ठीक है। ये मेरा 3 कार्व मुझे मिल चुका है। अब मुझे इसको 3D बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ये मेरा अंदर का जो कार्व है ना और ये जो बाहर का कार्व है, इन दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे मैं कर देता हूँ सॉलिड। ये मैं देता हूँ 2 mm तक, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 2 mm तक दिया। देने के बाद और एक चीज़ देखिए, ये मेरा सिर्फ एक कॉलेट मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये मेरा जो स्टोन, जो पीछे से मेरा जो स्टोन सेटिंग होगा ना, उसके लिए मुझे जगह बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ देखिए, ये एकदम लेवल है, ये आपको दिख रहा है ना, ये एकदम लेवल क्वालिटी है, ठीक है। तो चलिए, ये स्टोन का जो घाट होगा, यानी कि स्टोन मेरा जहाँ पर आके रुकेगा, वो जगह मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ये मेरा ओरिजिनल जो स्टोन का कार्व है, उसको मैं ये ऐसे करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। करने के बाद इसको ऐसे 1, 2, 3 पॉइंट 3 तक मैं इसको अंदर करता हूँ, यानी कि मेरा कॉलेट के अंदर मैं 0.3 तक उठाता हूँ, ठीक है। उठाने के बाद इसको ऐसे कर देता हूँ सॉलिड, ऐसे। आपको समझ में आया ये मेरा क्या हुआ, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आपका बाहर का जो पॉली सर्फेस है ना, उसको सिलेक्ट करके ऐसे बुलियन डिफेंस कर दीजिए इसके साथ, ये देखिए, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर एक घाट रेडी हो चुका है, ठीक है, जिसमें मेरा स्टोन यहाँ से पीछे से जाके, यानी कि जो स्टोन पीछे से सेटिंग होगा ना, वहाँ से जाके यहाँ पर मेरा स्टोन रुकेगा, ठीक है। ये आर पार नहीं होगा। आपको समझ में आया ये चीज़। और इसको ही कुंदन सेटिंग बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ इसका खास बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सब मेरे साथ में रहेंगे और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ ऊपर ऊपर से ना थोड़ा सा फ्लैट है, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से एक लाइन लूँगा इंड, और इंड तक एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। करने के बाद इसको ऐसे रिवील करके ना, इसका पॉइंट ऑन करूँगा। ये जो सेंटर का जो पॉइंट मिला ना मुझे, इसको ऐसे में 0.3, 0.36, ठीक है, ऐसे में करूँगा। ऐसे में मेरा जो कार्ब मिला मुझे, ये मैं ऐसे डोम दूँगा, ठीक है। देने के बाद यहाँ से मैं स्टार्ट पॉइंट कर दूँगा, क्योंकि ये रहा, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद आप इन दोनों कार्व को पकड़ के ना ऐसे स्वैप 1, ये रहा, ठीक है। ये मैंने किया स्वैप 1। आपको समझ में आया दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर से देखने भी अच्छा लगता है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सबसे पहले तो मैं ऐसे में कर देता हूँ ग्रुप, और ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा कुंदन सेटिंग का प्रोसेस, यानी कि कॉलेट, उसका प्रोसेस थोड़ा सा मेरा रेडी हो गया, ठीक है। तो और एक चीज़ मुझे बनाना पड़ेगा, वो क्या, देखिए, वो होगा मेरा, यहाँ से मैं लूँगा डुप्लीकेट एज,
डुप्लीकेट एज लूँगा, ठीक है, ये रहा और ये रहा। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अब मुझे इसको सपोर्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ देखिए, ये सिर्फ मेरा कॉलेट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। यानी कि कुंदन सेटिंग जो होगा ना, उसका कॉलेट जो होता है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोन और एक पत्ती अंदर जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए मैं लूँगा यहाँ से बोथ साइड लाइन ऐसे, ठीक है, और एक लाइन लूँगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों लाइन को ऑफसेट करूँगा, ऑफसेट बोथ साइड करूँगा 0.5 तक, और इसको भी बोथ साइड चालू करके 0.5 तक, ठीक है। अब इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देने के बाद अब ये जो चार कार्व आपको मिला ना दोस्तों, इसको नीचे में कीजिए, यानी कि कॉलेट का नीचे में कीजिए, ओके। ये दीजिए 2 mm तक, क्योंकि आपका जो कॉलेट है ना, वो 2 mm तो हाइट है ना उसका, तो इसलिए आपको 2 mm करके ये नीचे में लाना होगा, ठीक है। आने के बाद दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तो आपका डुप्लीकेट एज ऑलरेडी है, ठीक है। अब हो जाने के बाद ये चीज़ को ना ऐसे, ये चीज़ को आपको सॉरी, सबको ऐसे सिलेक्ट करके इसको ट्रिम करना पड़ेगा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आया दोस्तों? अब ये देखिए, ये आपका जो चार कार्ब आ चुका है ना दोस्तों, इसको ऐसे पकड़ के लॉफ्ट कीजिए, ठीक है। ये एक हो गया लॉफ्ट, ये हो गया लॉफ्ट, ठीक है, और ये हो गया लॉफ्ट, और ये भी हो गया लॉफ्ट, ठीक है दोस्तों। ये मेरा चार सरफेस मेरा चार एंगल में आ चुका है। अब इन चारों सरफेस को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। करने के बाद अब देखिए, ये आपका कॉलेट का जो नीचे का पोर्शन है ना, वहाँ से लेके थोड़ा सा ऐसे सॉरी, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे में डाउन कीजिए, ताकि अपना जो सपोर्ट बनने जा रहा है ना दोस्तों, वो सपोर्ट ये कॉलेट के साथ में रहे, ठीक है। यहाँ से ऐसे कीजिए सॉलिड 1.5 तक, माइनस माइनस 1.5, ठीक है। ये देखिए एकदम मेरा सपोर्ट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। और ये सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक पत्ती, यानी कि इस ओवल शेप का एक पत्ती जाएगा अंदर और एक स्टोन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये जो इसका जो पत्ती होता है ना, वो बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लेना होगा ये जो, हाँ एज मेरा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं इन सबको है ना ऐसे ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ग्रुप कर देता हूँ और हाइट कर देता हूँ, ठीक है। हाइट कर देने के बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, ऐसे। तो देखिए ये जो मेरा ओरिजिनल कार्व है ना, यहाँ से मैं लूँगा एक स्पेयर, ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के बाद इसको ऐसे स्केल कर दूँगा, बिल्कुल अपना जो ओवल जो शेप है ना उसके ऐसे। आपको समझ में आया दोस्तों? ये मेरा एकदम लेवल में आ चुका है, ठीक है। आने के बाद एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ये देखिए ये कैप्सूल जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से मुझे लेना होगा एक सरफेस, ये रहा, इस सरफेस को ऐसे ड्रॉ करके यहाँ से आपको लेना होगा बूलियन स्प्लिट, इसके साथ ऊपर का जो पोर्शन है ना उसको कर दीजिए डिलीट, ठीक है। ये देखिए मेरा एक ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है एक पॉली सरफेस, ठीक है। अब इसको एक्सप्लोर कर दीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद अब जो ये सरफेस मुझे मिला ना दोस्तों, इसको ना थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से मैं स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, एकदम ऐसे, ठीक है। आपको समझ में आया दोस्तों ये क्या हुआ, ये एक मेरा पत्ती बनने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे इस पत्ती को ऑफसेट करना होगा, ऑफसेट ऑफसेट सरफेस सॉलिड 0.3 से 0.4 तक आपको ये सॉलिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये मेरा एक सॉलिड पत्ती बन चुका है, यानी कि ये ओवल शेप का मेरा एक पत्ती बन चुका है, ठीक है। अब मैं मेरा जो कॉलेट है उसको मैं अनहाइड करता हूँ, करने के बाद ना इसको
ये ऊपर में हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको मैं ऐसे नीचे में कर देता हूँ, ठीक है। देने के बाद इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको समझ में आया दोस्तों, जो कुंदन सेटिंग जो होता है, कुंदन सेटिंग का जो कॉलेट होता है दोस्तों, वो कुंदन सेटिंग का प्रोसेस ये देखिए मेरा एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। आप मेरा ये पत्ती ना स्टोन के ऊपर बैठेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मेरा एक, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वही अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ से मैं 6 mm का एक स्टोन लेता हूँ। लेने के बाद ये देखिए, ये सापो सब समझिए, ये एक मेरा पोलकी है, ठीक है। तो ये पोलकी यहाँ पर बिठाने के बाद दोस्तों, ये पीछे से ना, अगर मेरा ये प्रोंग जो मैंने बनाया, इस प्रोंग से अगर मैं इसको सेटिंग करता हूँ, ठीक है, तो ये सामने से दिखा जाएगा। यानी कि ये जो मेरा प्रोंग रहेगा वो दिखा जाएगा सामने से, ठीक है। तो इसलिए ये कुंदन सेटिंग के ऊपर ये चीज़ लगाना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। ये पत्ती को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्ती अगर यहाँ पर सेटिंग होता है दोस्तों, देखिए ये पत्ती अगर मेरा ऐसे सेटिंग होता है, ठीक है, तो पीछे से मेरा एकदम क्लोज हो गया सब जगह, ठीक है। और सामने से क्या लगेगा कि एकदम ये स्टोन एकदम एकदम ओपन में बैठा है, ठीक है। और इसका शाइनिंग बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पत्ती बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ मैं आपको बहुत ही इजी तरीके में शायद समझा सका, ठीक है। ये कुंदन सेटिंग के बारे में शायद मैं आप सबको बहुत ही इजी तरीके में समझा सका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो मेरा कॉलेट बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहले ऐसे ग्रुप। करने के बाद ना इसको ऐसे मैं मूव करके साइड में ले आता हूँ। आने के बाद इसको एक दूसरा लेयर में कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा ओवल शेप, ठीक है। यानी कि ओवल शेप का मेरा कुंदन सेटिंग का जो कॉलेट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं और एक कॉलेट में आपको दिखा देता हूँ, वो होगा, चलिए ये मैं मार्किस लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ये 7 mm का एक मार्किस लेता हूँ। लेने के बाद एक ही प्रोसेस दोस्तों, एक ही प्रोसेस, ठीक है। ये जेम प्रोफाइल मैंने किया, उसके बाद मैंने पॉइंट लिया, इसको मैं ऑफसेट करता हूँ 0.5 तक बाहर, 0.3 तक अंदर, ठीक है। इन दोनों को पकड़ के ऐसे मैं कर देता हूँ सॉलिड। 1.5 तक मैं इसको देता हूँ, चलिए 2 mm तक देता हूँ इसको, 2 mm तक इसको हाइट रखता हूँ, ठीक है। रखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मेन कार्व है दोस्तों, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। करने के बाद 1, 2, 3 पॉइंट 3 तक मैंने इसको ऊपर में लेता हूँ। लेने के बाद इसको ऐसे सॉलिड बनाता हूँ, ठीक है। बनाने के बाद ये जो बाहर का जो पॉली सरफेस है, उसके साथ मैं इसको बुलियन डिफेंस कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये भी मेरा एक मार्किस का जो कुंदन सेटिंग का जो क्वालेट होता है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो और एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा एक लाइन इस इंड से इस इंड तक, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ देखिए, आपको जिस टाइप का भी आपको कॉलेट बनाना है ना दोस्तों, सबका एक ही प्रोसेस, ओके। सब कॉलेट का एक ही प्रोसेस, चाहे वो पोलकी के कॉलेट के ऊपर ही हो, क्या ये नॉर्मल कॉलेट के ऊपर में ही हो, ठीक है। 1, 2, 3 पॉइंट 3 तक मैं इसको डोम देता हूँ। देने के बाद ये कार इसको मैं कर देता हूँ ऐसे मिरर। ये जो कार्व है ना, इन दोनों कार्व को मैं ऐसे एक्सप्लोर कर देता हूँ, ठीक है। देने के बाद इन कार्व को पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। इस कार्व, ये कार्व, ये कार्व और ये कार्व, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ नेटवर्क सरफेस, ठीक है। ये देखिए, ओके। अब इस सरफेस ऐसे मैं कर देता हूँ मिरर। ये चीज़, इसका प्रोसेस दोस्तों सभी एक है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, मेरा मार्किस का जो क्वालिटी है ना, वो एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही एक ही प्रोसेस, यहाँ से बोथ साइड लाइन, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल ही गया, वो चीज़ क्या, देखिए
आपका कॉलेट जैसा बनेगा, यानी कि आपका कॉलेट जिस टाइप का बनेगा दोस्तों, खाली उस पत्ती अलग होगा, यानी कि उस कॉलेट का जो पत्ती बनेगा ना वो अलग बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ मैंने आपको बहुत इजी तरीके में शायद समझा सका, ठीक है, कि ये कुंदन सेटिंग कैसे काम करता है। ओके, और अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया डुप्लीकेट एज। अब मेरा जो कार्व है इसको ऐसे मैं मूव करता हूँ 1-2 mm तक, ठीक है। करने के बाद इस कॉलेट को मैं हाइट कर देता हूँ, ठीक है। देने के बाद एक ही प्रोसेस दोस्तों, सबका एक ही प्रोसेस, ठीक है। ये देखिए, समझ में आया आपको, ये मेरा फिर से वही दोनों कार्व आ चुका है। इसको मैं कर देता हूँ लॉफ्ट, ठीक है, ये एक हो गया लॉफ्ट, इसको भी मैं कर देता हूँ लॉफ्ट, ठीक है। अब इसको अनहाइट करता हूँ, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों को पकड़ के ऐसे डाउन करके -1.5 का, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा बनके एकदम रेडी हो चुका है, मेरा कुंदन सेटिंग का मार्किस कॉलेट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत इजी तरीके में शायद मैं समझा सका। और एक चीज़ बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्या देखिए, वो होगा मेरा, आपको मैंने तो पहले भी बताया था कि इसका जो पत्ती होता है ना वो अलग बनाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि जो कॉलेट आपका अलग बनेगा उसका पत्ती भी अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर तो मेरा मार्किस का जो कार्व है वो तो ओरिजिनल कार्व मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से लेना होगा बोथ साइड लाइन, ठीक है। इसको आप अगर आप चाहो तो स्पेयर करके आप नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे मैं करता हूँ, करने के बाद ना इसका पॉइंट फिर से मैं ऑन करता हूँ 3 में, इसका सेंटर का पॉइंट सिलेक्ट करके 1 mm का मैंने ये हाइट रखा। रखने के बाद इसको ऐसे स्टार्ट पॉइंट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको मैं ओरिएंट करता हूँ, कॉपी स्केल 3D करता हूँ, इनटू सॉरी कॉपी स्केल 3D करता हूँ, इन टू इन कॉपी करता हूँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक रखता हूँ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक रखता हूँ, ठीक है। रखने के बाद इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ, ठीक है। अब इन सारे चीज़ को पकड़ के ना ऐसे नेटवर्क सरफेस करता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा एक पत्ती मार्किस शेप का पत्ती बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इसको ऐसे इसको सॉलिड कीजिए ऐसे, ये कीजिए -0.3 तक, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा एकदम पत्ती बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो फिर से मैं एक ही बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपका जो कॉलेट बनेगा दोस्तों, ठीक है, उस कॉलेट का शेप पत्ती जो होता है ना उसका प्रोसेस सिर्फ अलग बनेगा, ठीक है, और बाकी जो कॉलेट बनेगा उसका प्रोसेस सभी एक ही है, ठीक है। आपको समझ में आया दोस्तों। तो फिर से मैं यहाँ से लूँगा एक जेम्स, ये मैंने लेता हूँ 7 mm का, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर करता हूँ 1, सबसे पहले तो इसको रोटेट कर लेता हूँ, ये उल्टा है, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। और अगर मैं मेरा इस पत्ती को अगर मैं ऐसे इसको मूव करता हूँ बिल्कुल ऐसे, तो मेरा क्या हुआ, पीछे से मेरा जो कुंदन सेटिंग का जो कॉलेट होता है ना वो देखिए पीछे से एकदम बंद हो गया, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद अब मेरा ये जो प्रोंग है ना, अगर मैं यहाँ पर आप अगर आप सेटिंग करना चाहो तो ये सामने से देखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं करता हूँ अनहाइड, ठीक है। अनहाइड करने के बाद इसको ऐसे मूव कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा कुंदन सेटिंग का जो क्वालिटी है ना वो एकदम बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मैं फिर से दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप
जिस टाइप का भी कुंदन सेटिंग का कॉलेट बनाने जाते हो सबका प्रोसेस एक ही होगा, ठीक है। सिर्फ होगा ये जो पत्ती है ना, ये चीज़ सिर्फ अलग होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ ये पत्ती का चीज़ अलग होता है, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया दोस्तों, यही प्रोसेस में कुंदन सेटिंग का कॉलेट बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक फिर से आप एक बार देख लीजिए मेरा प्रोसेस, कुंदन सेटिंग का जो मैंने प्रोसेस दिखाया, ठीक है। तो इसको मैं प्लास्टिक व्यू करता हूँ, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ मैं आपको जितना हो सके बहुत ही ईजी तरीके में शायद समझा सका दोस्तों, ठीक है। तो एक ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर यह प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ से आप सबको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, और वीडियो अगर देख के आपको अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आपका दिन शुभ रहे।